परी हूँ। अब बाल परी बिना अपनी जादुई शक्तियों के एक साधारण परी है। आज एक्चुअली मैं आने वाला नहीं था स्कूल में, लेकिन क्या हो गया, काम जल्दी खत्म हो गया था, मैंने सोचा चला जाऊं स्कूल। उतना ही थोड़ा। गुड मॉर्निंग सर। लेकिन उनकी फीस के पैसे तुम क्यों भर रहे हो? सर वो क्या है ना, आज फीस भरने का लास्ट दिन है और उन्होंने अभी तक फीस नहीं भरी। अरे लेकिन ऐसे कैसे नहीं भरेंगे, मैंने सुबह उनको फीस के पैसे दिए थे। कमाल है। हाँ, कमाल है। मतलब फीस क्यों नहीं भरी उन्होंने? मुझे नहीं पता सर, लेकिन वो मेरे दोस्त नहीं सर, वो तो मेरे छोटे भाई बहन जैसे, इसीलिए इन चंद रुपयों के लिए उनकी पढ़ाई रुक जाए ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता सर, नहीं होता मुझसे। देखो मोंटू, उसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम अपने पैसे अपने पास रखो, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो फिर ठीक है सर। अरे क्या ठीक है, आज लास्ट डे था ना फीस भरने का, मैंने उनको पैसे दिए थे ना फीस भरने के लिए, तो फिर भरे क्यों नहीं अभी तक उन्होंने? मुझे क्या पता सर। अरे लेकिन मुझे तो पता लगाना पड़ेगा ना। मानव, अरे सर, चलो नहीं सचिन। सर सुनिए तो, बालवीर तो अब पुच्छल विशैली से नहीं बच पाएगा। और रही बात बाल परी की, तो उसकी अमर संस्कार दीक्षा की शुरुआत करने का वक्त आ गया है। परियों, इस समय हमें बाल परी का खास ख्याल रखना होगा। वो परी? बाल परी के आने पे काला धुआं बना, और ये काला धुआं तो पूरी तरह बुरी परी बनने के बाद ही बनता है ना? हाँ, तो पहचानो मुझे, मैं बुरी परी ही तो हूँ। बाल परी, आप यहाँ क्यों आई हैं? मैं ये जानने आई हूँ कि तुम सबकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे मेरी जादुई शक्तियां छीनने की। बालपरी, ये सब कुछ आपकी भलाई के लिए किया गया है। तुम सब मेरे भले की नहीं, अपने भले की सोचो, और बेहतर यही होगा कि मेरी जादुई शक्तियां मुझे लौटा दो। नहीं बालपरी, आपकी जादुई शक्तियां आपको वापस नहीं मिलेंगी। हाँ, इस समय आपके पास आपकी जादुई शक्तियां होना आपके लिए और हम सबके लिए खतरनाक हो सकता है। खतरनाक तो अब मैं बनूंगी परिलोक के लिए। रानी परी, अगर तुम सबने मुझे मेरी जादुई शक्तियां नहीं दी तो मैं भयंकर परी से जाकर अपनी शक्तियां ले लूंगी। ये आप क्या कह रही है बाल परी? मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ, पर बहुत हो गया। मैं अब परीलोक में नहीं रहूंगी, मैं अब भयंकर परी के पास जा रही हूँ। भयंकर परी के पास। चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन मुझे कैद नहीं रख पाओगी। हाँ बाल परी, बिल्कुल सही कहा आपने, और हमें भी ऐसा लगता है कि अब आपके अमर संस्कार दीक्षा का समय आ गया है। परियों,
बाल परी के अमर संस्कार दीक्षा की तैयारी शुरू की जाए। इधर बाल परी की अमर संस्कार दीक्षा शुरू और उधर बालवीर का पुच्छल विषय द्वारा अंत। हम जीत गए तौबा तौबा, हम जीत गए। बच्चों हमें बताओ तुम लोगों ने फीस क्यों नहीं भरी? वो हमारे पास पैसे नहीं थे। अरे ऐसे कैसे पैसे नहीं थे मानव? मैंने सुबह ही तो दिए थे पैसे, कहाँ गए? ऐसे चुप रहने से कुछ नहीं होगा, सच सच बताओ पैसे कहाँ गए? देखो बच्चों, एक तो तुम गलती कर रहे हो, ऊपर से मान भी नहीं रहे हो। हमने कोई गलत काम नहीं किया दादाजी। अगर गलत काम नहीं किया है तो बताते क्यों नहीं हो पैसे कहाँ है? हमने जो किया वो हम आपको अभी नहीं बता सकते। देखो हम ये ऐसा कुछ सुनना नहीं चाहते। मोटा भाई, आप सुनना नहीं चाहते और बच्चे बताना नहीं चाहते, हिसाब बराबर। महेश, रॉकी। सॉरी। देखो बच्चों, तुम इस तरह से कोई भी बात छुपा नहीं सकते, इसीलिए कहता हूँ कि बता दो कहाँ है पैसे, वरना सारे के सारे पैसे वापस करो। रॉकी। लेकिन दादाजी। देखो बच्चों, अगर तुम लोगों ने सच सच नहीं बताया कि पैसे कहाँ है तो मैं तुम लोगों का स्कूल जाना बंद कर दूंगा। चलो स्मिता। महेश। स्मिता चलो। अंकल हमें समझने की कोशिश कीजिए। समझो तुम सचिन, इतने सारे पैसे कहाँ गए ये तुम लोग छुपा रहे हो, और हम लोग ये जानकर रहेंगे कि तुमने उन पैसों का क्या किया। सचिन, अब हम क्या करेंगे? सारे घर वाले हमसे बहुत नाराज हैं। हमने इतनी बड़ी बात छुपा के सही भी तो नहीं किया। वो तो पता नहीं, लेकिन अब हम अपने स्कूल की फीस कैसे भरेंगे हमें वो सोचना है। बिना पुच्छल विशाली का अंत किए इससे बचा नहीं जा सकता, पर बिना अपनी जादुई शक्तियों के मैं इसका अंत कैसे करूं? इस सोचे पड़े बालवीर, मेरी माने तो अपनी हार मान लो बालवीर। इस घमंडी को इसके घमंड से ही हराना होगा, पर उसके लिए पहले मुझे इसकी पकड़ से छूटना होगा। मैं तुमसे हार मानता हूँ पुच्छल विशाली। शाबाश बालवीर, तुमने बहुत अच्छा किया, अपनी हार मान ली। और तुम्हारे हार का इनाम है तुम्हारा अंत। मेरा नहीं तुम्हारा होगा पुच्छल विशैली, और अब तुम खुद ही अपने आप को अपनी विशैली पुत से मारोगी। मेरे विष के लिए तुम तैयार हो जाओ बालवीर। बालवीर, अब तुम खुद मेरे पास आ गए, अब तुम नहीं बचोगे। बुराई का अंत हमेशा बुराई होता है पुच्छल विशाली। अरे रहता में दिखा आपको होने वाला है जो परीलोक में।
बजने वाले हैं ऐसे ही ढोल ताशे, खुशी से झूमने वाली है परिया, बरसाने वाली है फूल। हर बार की तरह हार गई आप ये भी दाव, बताई था मुझे। अरे कर दिया उस बालवीर ने उस पुच्छल विशाली का भी काम तमाम, बताई था मुझे। खत्म खत्म, आपका खेल खत्म। नहीं, अभी मेरा भयानक खेल खत्म नहीं हुआ है। तबा तबा, अभी मेरा एक आखिरी दानव बाकी है। अभी भी है बच्चा आपके पास दाव हारने के लिए। तबा तबा, वो दानव है वज्र दानव जिसका हाथ का वज्र का है। दानव तो है, सोता रहता दिन भर, वो क्या लड़ेगा बालवीर से? अब वो जागेगा भी और बालवीर के साथ लड़ेगा भी। मैं खुद जाऊंगी उसको जगाने के लिए। आप खुद? हाँ, मुझे बालवीर को हराने के लिए वज्र दानव के पास जाना ही होगा। सबको सच बता दे? नहीं, हम अभी सबको सच नहीं बता सकते। हाँ, पर मुझे सबसे सच छुपाना भी अच्छा नहीं लग रहा है। अरे अच्छा तो हमें भी नहीं लग रहा है कि हम घर वालों से सच छुपा रहे हैं, पर अब हम और कर भी क्या सकते हैं? तुम लोग टेंशन मत लो, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। क्या टेंशन नहीं लूं? और तू सोचने की जगह ये जुआ वाला गेम खेल रहा है? मैंने मना किया था सचिन को जुआ खेलने के लिए, फिर भी ये वही खेल रहा है। आज तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। रुक, सुनते सुन। सचिन तो ये गेम को छोड़ और ये सोच कि हम पैसे कहाँ से लाएंगे, वरना पापा हमें स्कूल से निकाल देंगे। राइट, गलत, लेफ्ट। क्या लेफ्ट? अरे गेम में लेफ्ट, ये देख। ओफो सचिन, हमारे सिर पे इतनी बड़ी टेंशन है और तुझे लेफ्ट राइट की पड़ी है? हाँ? Yes, क्योंकि यही गेम हमारे स्कूल की फीस दिलाएगा। क्या मतलब कल तू ये गेम खेलने वाला है? हाँ, हाँ। याद है ना, 1 रुपए पे 10 रुपए मिलते हैं और इससे हम अपनी स्कूल फीस आराम से बना लेंगे। गजा, ये हमारे बच्चों को ऐसी बुरी आदत कैसे पड़ गई? महेश तू रुक, मैं अभी इन लोगों को ठीक करता हूँ। नहीं गजा, रुक, तू रुक, रुक, रुक। गजा, मैं भी चाहता हूँ कि हमारे बच्चे ये सब ना करें। गजा, मेरा अनुभव कहता है कि कई बार हमारी देखी हुई बातें, सुनी हुई बातें झूठ निकलती हैं। हमने हमारे बच्चों पर हमेशा भरोसा किया, उस भरोसे की खातिर हम एक काम करते हैं, कल हम सुबह से हमारे बच्चों पर नजर रखते हैं और पता करते हैं कि हकीकत क्या है। और अगर ये लोग मुझे कोई गलत खेल खेलते हुए नजर आए ना, तो इन्हें स्कूल से निकाल के हॉस्टल में भेज दूंगा मैं। अभी चल। सचिन, तू ये क्या कह रहा है? हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हाँ, ये जुआ है, और कल अंकल ने समझाया था ना कि ये सब बुरी बात है। हाँ? ए, अट्टा मार के फटक ली। अच्छा तू ही बता, तेरे पास है कोई रास्ता नितिन को स्कूल में रखने का? है कोई रास्ता? नहीं नहीं है ना, इसीलिए कल हमें ये गेम खेलना ही पड़ेगा, वरना नितिन से पहले हम स्कूल से बाहर हो जाएंगे। लेकिन सचिन, ये गेम खेलने के लिए भी हमारे पास पैसे होने चाहिए ना। अब हम वो पैसे कहाँ से लाएंगे? हम उसे मम्मी पापा से मांगेंगे? हाँ? नहीं, उसका भी इंतजाम मैंने कर लिया है। क्या? हमारे तीनों के पिगी बैंक में जितने भी पैसे, उसी से हम खेलेंगे।
गलत रास्ता है नहीं यहाँ तो कोई भी। ये टीला देख रहे हो, ये है वज्र दानव। बहुत सालों से यही सो रहा है, इसलिए मिट्टी जम गई और टीला बन गया है। तो ले आओ फावड़ा, शुरू कर दीजिए खुदाई। ताबा ताबा, जगाइए जगाइए इस वज्र दानव को। हिम्मत हुई मुझे उठाने की। तो तुमने मुझे जगाया। ये क्या कर रहे हो? मैं हूं भयंकर परी, बुराई की साथी, और तुम्हें मैंने नहीं जगाया, तुम्हें जगाया है बालवीर ने, जो यहां विनाश लोक में घुस आया है और तुम्हें उसका अंत करना है। बालवीर? हाँ, बालवीर। सच्चाई और अच्छाई का साथी बालवीर। ये देखो, जिसका तुम्हें अंत करना है। ऐसा ही होगा। भाई क्यों, ये तो जल्दी क्यों खा रहे हो? गलत काम करोगे तो ऐसा ही होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है दादाजी, वो आज हमें स्कूल थोड़ा जल्दी जाना है इसीलिए। अच्छी बात है, मैं भी आ रहा हूँ तुम लोगों के साथ स्कूल। नहीं, अब मेरा मतलब है कि आप इतनी जल्दी स्कूल आके क्या करेंगे, हमें रास्ते में थोड़ा काम है। हमें पता तुम्हें क्या काम है? मतलब दोस्तों से मिलना होगा ना? अरे मैं भी ना स्कूल में इतनी मांगी। एलेक्स जल्दी। जल्दी जल्दी जल्दी। ये लोग इतनी जल्दी चले गए ना, दूर उस जुए वाले के पास जुआ खेलने गए होंगे। नहीं भाई, मेरा दिल अभी भी नहीं मानता है कि हमारे बच्चे ऐसा कर सकते हैं। गजानन, गजानन, ये देखो बच्चों की पिगी बैंक खाली है। पहले तो फीस के पैसे खर्च करती है, अब ये पिगी बैंक के पैसे भी लेकर गए हैं जुआ खेलने के लिए। आज तो इन्हें रंगे हाथ पकड़ते हैं। ठीक है, मैं अभी रंग लेके आता हूँ। क्या? वरना आपने रंगे हाथों पकड़ेंगे कैसे? महेश, रॉकी। सॉरी। चल के जा, आज इनको पकड़ते हैं। तुम कौन हो? नाम जानकर क्या करोगे, काम जान लो, और काम है तुम्हें समाप्त करना। We'll be right back.
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.